मगहर में मोदी के बयान पर विवाद क्यों? भगवान दत्तात्रेय के शिष्य गोरखनाथ जी भी है चिरंजीवी। संत कबीर के 500वें निर्वाण दिवस पर पीएम मोदी मगहर गए थे। इस मौके पर अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ ने एक साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा गोष्ठी की थी। विपक्षी कांग्रेस और कुछ जानकारों ने इसे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना और कहा कि बाबा गोरखनाथ का काल दोनों संतों से अलग है। सोशल मीडिया पर गोरखनाथ जी का समय 10वीं सदी तो नानक और कबीर को समकालिक बताकर मोदी की ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। लेकिन क्या गोरखनाथ जी का समय 10वीं सदी से ही शुरू हुआ था और क्या वो 15वीं सदी में खत्म भी हो गया था? ये काफी गहन विषय है, क्योंकि गोरखनाथ जी की समाधि आज भी कहीं पर भी नहीं है। इसके अलावा उनके सत्ययुग में भगवान दत्तात्रेय जो कि त्रिदेवों के अवतार थे से भी संवाद के कई लेख मिलते हैं। उनके चारों युगों में होने के और कई प्रसंगों की चर्चाएं भी मिल जाए तो ऐसे में ये कहना उचित नहीं है कि वो 10वीं सदी में थे, बाद में नहीं या पहले नहीं। जाने उन प्रसंगों को जो साबित करते हैं मोदी के कथन को। गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। दोनों ने नाथ संप्रदाय को सुव्यवस्थित कर इसका विस्तार किया। तब से इस संप्रदाय के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध, औघड़ कहा जाता है। गोरखनाथ असल में भगवान शिव के अवतार थे जिन्होंने दुनिया को योग हठ योग की शिक्षा दी थी। वो गोरखपुर में रहे तो उनके ही नाम पर उस शहर का नाम भी पड़ गया। नेपाल में गोरखा उन्हीं गोरखनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ को श्री गोरखनाथ जी का गुरु कहा जाता है। कबीर गोरखनाथ की गोरखनाथ जी की गोष्ठी में उन्होंने अपने आप को मत्स्येंद्रनाथ से पूर्ववर्ती योगी थे, किंतु अब उन्हें और शिव को एक ही माना जाता है। संत कबीरदास 15वीं सदी के रामभक्त कवि थे जिनके उपदेशों से गुरु नानक भी प्रभावित थे। कबीर और गोरखनाथ जी का समकालीन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि गोरखनाथ जी की एक गोष्ठी में कबीर और गोरखनाथ के शास्त्रार्थ का भी वर्णन है। इस आधार पर इतिहासकार विल्सन गोरखनाथ जी को 15वीं शताब्दी का मानते हैं। कबीर और गोरखनाथ के शास्त्र प्रतियोगिता के भी कई वृतांत मौजूद है जिसमें कबीर दास ने गोरखनाथ जी को हार मानने पर मजबूर कर दिया था। अब लोगों को लिखित में सबूत शिलालेख चाहिए, वो है नहीं है कि चलते वो इतिहास और आस्था को धत्ता बताते हैं, तो ये उनकी कमी है। गोरखनाथ देवीय पुरुष है और उनके जन्म के समय का कोई प्रमाण नहीं है। महाकाल नगरी उज्जैन में गोरखनाथ गोपी चांद और भर्तरी का समाधि, योग करने का स्थान स्थल आज भी मौजूद है जिन्हा लोग आते हैं। 15वीं सदी के अंत तक ये स्थान पर उनके होने की साक्ष्य है। गोपीचंद और भर्तरी राजा विक्रमादित्य के ही भाई थी। ऐसे में उनके समय से अगर कबीर के समय तक भी गोरख जिंदा रहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राम जी की उम्र भी 11,000 साल बताई जाती है, क्या उसे दुनिया मानती है? लेकिन रामायण में जो लिखा है वो सत्य है, इसलिए मोदी का कथन भी सत्य ही है। बाकी कहने वालों को तो कहना है, वो तो कुछ भी कहते रहेंगे। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो शेयर करें और कृपया कमेंट करें ये वीडियो। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।